नरेंद्र मोदी वहां पर गए मनीष जी, तो एक तो गए क्यों? मोदी के अगर आप व्यक्तिगत संबंधों की बात करिए तो मेरे ख्याल से सबसे करीबी उन्हीं को कहा जा सकता है, पुतिन को। पश्चिमी देश है ये, यूक्रेन को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अरे रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला है? रूस मारना शुरू करेगा तो कुछ ही घंटे में काम खत्म हो जाएगा, यूक्रेन यूक्रेन नाम की चीज खत्म हो जाएगी धरती से। सर पूरी दुनिया में आज पीएम मोदी की उस विदेश नीति की चर्चा है। कहा जा रहा है कि एक तस्वीर हाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति के कंधे पर पीएम मोदी का ये हाथ। आमतौर पे इस तरह की तस्वीर अपने पैरेलल लोगों के साथ कम होती है कि कंधे पे हाथ रखे, जैसे ना बउआ बना करके बाबू टाइप कि मैं तेरे साथ हूं। और यही यूक्रेन नाराज हुआ था जब रसिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने गले मिले, तो गले तो इसके साथ भी मिले। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विमर्श का विषय यूक्रेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का है। यूक्रेन में जब वहां मिले हैं तब की है ये तस्वीर, है ये बहुत कुछ कह रही है। दुनिया में कोई ऐसा देश, यूक्रेन में पहली बार जब से यूक्रेन बना है कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार गया है, और मोदी पहला नेता है जो रूस-रसिया भी गए और यूक्रेन भी गए। धरती पर मोदी एकमात्र किसी देश के नायक हैं जो दोनों राष्ट्र गए, इसके क्या मायने? ये बहुत बड़ी बात है। एकमात्र धरती पर नेता है जो रसिया और यूक्रेन दोनों देश गए, दोनों देश गए। और ये जो यूक्रेन के बारे में जो चर्चा हो रही है, तो जरा कुछ चीजें दर्शक गौर करें कि वहां से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने तो जैसे बयान देना था वो उन्होंने दिया, जो एक कोई भी राष्ट्राध्यक्ष बोलते ही है। उसके अलावा हमारे विदेश नीति का कोई व्यक्ति उस पर फिर उसके बाद किसी ने बात नहीं की, कोई बात नहीं कर रहा है। और अमेरिका ने तो ढोल बजाया कि बहुत अच्छा है, और यूक्रेन जाके नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है, और एक तरह से अमेरिका ने उनकी प्रशंसा की है कि आपने वहां पर जाकर जो बात की है उससे युद्ध शांत होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। लेकिन मनीष जी, रूस ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, गौर आप करिए इसमें। रूस बिल्कुल शांत है, स्टोन साइलेंस है, जो पत्थर की तरह वो शांत है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है ये है नहीं, जो आप देख रहे हैं या दुनिया देख रही है ये दुनिया को दिखाने के लिए है। डिप्लोमेसी हमेशा दिखाने की कुछ और होती, करने की कुछ और होती है, वो मैं हमेशा कहता हूँ। राजनीति तो होती है, डिप्लोमेसी में तो सिर्फ उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी वहां पर गए मनीष जी, तो एक तो गए क्यों? इस बात को जरा कोई अगर मुझे समझा दे कि नरेंद्र मोदी का वहां जाना बड़ा जरूरी था तो क्यों जरूरी था? कोई मतलब नहीं था। नरेंद्र मोदी वहां ना भी जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। वहां कुल 250 इंडियन डायस्पोरा जो जो जरूरत है वो उतना ही वहां रहता, बाकी अपने जो संकटग्रस्त नागरिक थे उनको वो बहुत पहले निकाल के ले आए। और वो जूझ रहा है अभी रूस से, जो रूस आज की तारीख में अगर आप कहा जाए तो रूस में पुतिन जो है, मोदी के अगर आप व्यक्तिगत संबंधों की बात करिए तो मेरे ख्याल से सबसे करीबी उन्हीं को कहा जा सकता है, पुतिन को, जो जो लोग दिख रहे हैं। अब वो भी कितने करीबी है तो पुतिन जानते होंगे या मोदी जानते होंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी में कोई मित्र एक दूसरे का होता नहीं है, वो कैसे बनते हैं वो हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज की तारीख में जो पुतिन दोस्त है उनको, उनके कट्टर शत्रु जो उनका रात दिन आफत किए, जीना हराम किए है, उसके पास जाके कंधे पे हाथ रखेंगे मोदी? मोदी क्या इतने अनाड़ी हैं या इतने लौंडे हैं जिसे कहना चाहिए कि इनको राजनीति, इनको डिप्लोमेसी नहीं आती? ऐसा नहीं है। ये आप गौर करिए कि ये सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद ये रूस गए थे, अगर आपको याद हो, और उसके बाद रूस ने मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि तुम ही व्यक्ति ऐसे हो जिसमें हम विश्वास भी कर सकते हो, तुम जाकर एक बार उसको समझा सकते हो कि तुम खत्म हो जाओगे। और ये मैं हमेशा शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि ये जो पश्चिमी देश है ये यूक्रेन को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। जैसे पंजाब में हमारे यहाँ एक वो बैठा ना जोकर चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही वहां पे वो स्टैंड अप कॉमेडियन वहां पे एक बन गया प्रधानमंत्री, और उसका नतीजा आज यूक्रेन भोग रहा है बहुत बुरी तरीके से। और जो अक्सर खबरें आती कि वो यूक्रेन ने हमला कर दिया, यूक्रेन ने 200 गांव कब्जा कर लिए, अरे रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला है? रूस मारना शुरू करेगा तो कुछ ही घंटे में काम खत्म हो जाएगा, यूक्रेन यूक्रेन नाम की चीज खत्म हो जाएगी धरती से उसके लिए इस तरह से। क्योंकि हमारे देखिए ये सारा वारफेयर जो है ये मीडिया में अलग चलता है, इस पे पैसा खर्चा होता है, तो वो यूक्रेन को ये लोग तान रहे। तो मेरे ख्याल से ये जो मेरा अपना मानना है कि पुतिन ने ही एक तरह से दायित्व सौंपा था, जैसे आप कह लीजिए कि
जाकर एक बार उसको समझा दो, क्योंकि तो अब जो होने होगा फिर वो फाइनल ही होगा। और मैं और ये जो बड़ी उल्टी बात बोल रहा हूँ, अपने देश की बात है, लेकिन क्योंकि जिस उद्देश्य से नरेंद्र मोदी वहां गए थे यूक्रेन, उसको उसने बिल्कुल चूल्हे में डाल दिया। उस जेलेंस्की का जो एक बयान आया है उसके बाद मनीष जी कोई मतलब नहीं रह जाता कि वो समझ में आया कि उसके उसके शनिचर सवार है और वो अपना नाश करवा के ही मानेगा। क्योंकि उसने जो बात कही कि हाँ, उसने कहा कि भारत ही उसको रुकवा सकता है रूस और यूक्रेन के युद्ध को, लेकिन उसने उसके पीछे जो कारण बताया, कैसे बताया कि तुम कैसे रुकवा सकता है कि भारत उससे तेल खरीदना बंद कर दे, भारत उससे हथियार खरीदना बंद कर दे, भारत उसके हथियार के जो पैसे हैं वो देना बंद कर दे, तेल के पैसे ना दे, तो उनकी बला उठा के भारत अपने सर में डाल ले, ये वो सलाह दे रहे थे। ये सलाह उन्होंने दी कि इस कीमत पर युद्ध रुक सकता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो दायित्व था वो निभाया और जाके ढंग से समझा के आए हैं, दुनिया सराह रही है। लेकिन अब इस ये जो खतरे की घंटी है यूक्रेन के लिए, वो ये है कि अब जो होगा वो फिर भूतों न भविष्यति होगा, और अब इसके बाद मेरे ख्याल से यूक्रेन का चैप्टर फिर बंद ही हो जाएगा। ये है प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन से लौट कर आने का मतलब, क्योंकि आखिरी संदेशा था, और उससे बड़ा संदेशा, उससे गंभीर संदेशा हो नहीं सकता था। और उसको उस कॉमेडियन ने फिर उसी कॉमेडी की तरह बात की है। मैं यही कहूंगा कि वो कॉमेडियन, उसने उसी कॉमेडी की तरह बात की, कि मतलब झगड़ा उनका है, तेल खरीदना भारत बंद कर दे, हथियार खरीदना भारत बंद कर दे, पैसा देना भारत बंद कर दे, ये वो सलाह दे रहा है कि अगर तुमको यहाँ पर रुकवाना है तो उसके शनिचर सवार है और वो उतरेगा और रूस ही उसको उतारेगा। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि ये उदाहरण है, जेलेंस्की उदाहरण है भारत के लिए भी, कि जब आप ऐसे ऐसे नेता को अपना नायक बनाते हैं, अपने नायक देश का बनाएंगे। सिरमौर बनाते हैं, तो आपके देश की कैसी तबाही कर बचाता है। दिल्ली ने भी एक केजरीवाल को चुना ना, कई बार सर मुझे लगता हाँ है कि हमें बहस करने की जरूरत है कि बिहार भी इसी उतावले में है, कि पढ़ा लिखा कैसे ऐसे, मतलब इस तरह से एक, और वहां भी पांडे जी तैयार हो रहे हैं बिहार में भी, लोग भीड़ भाड़ जुट रहा है, वो नया केजरीवाल बन रहा है। हाँ देश में भी देखिए, एक तोता को जो है वो सदन में कहा गया कि तोता है, एक तोता को कोई कह रहा बालक बुद्धि को, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं कि इसे बालक बुद्धि समझ करके मूर्ख मत बनिए। अरे वो तोता रटन रट रहा है, उसे हाँ पता है कि कई चीजों में वो भूल जाता है कि हमें बोलना क्या है। इंदिरा गांधी दादी से पूछा था, ये बातें इसलिए करने की जरूरत है कि जब मूर्खता में आप ऐसे नायक चुनते हैं तो ऐसी तबाही होती, दुनिया इस्तेमाल कर रहा है। सच बात है कि यूक्रेन कितने देर रसिया के सामने टिकेगा, जो भी माल है वो बाहर से उसे मुफ्त में मिल रहा है वो हाँ इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, इसीलिए मुफ्त एक तो नहीं देश। मिल रहा, मुफ्त मुफ्त तो नहीं मिल रहा मनीष जी, वो भी कहीं कागज पे नोट कर रहा था, उसमें कई बिलियन डॉलर तो उसमें भी कर्जा हो चुका। अब वो इतने कर्जे में कि वहां से वो पीछे बैक नहीं कर सकता, और आगे मैंने कहा ना, वो आगे खड़ा है काल की तरह पुतिन, वो इसको निपटा देगा। और वो एक तरह से उस जोकर के तो छोड़ दीजिए, वो फिर पुतिन की आंखों में फिर वही शर्म आ रही है कि वो जो सामने है यूक्रेन की जनता, वो मारी जाएगी बहुत बुरी तरीके से, और उसको वो टाल रहा है वो आदमी पिछले 1.5-2 साल से। लेकिन मैंने कहा ना कि अब की प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन जाना ये बता रहा है कि अगर इसके बाद जो कुछ होगा फिर मनीष जी बहुत खराब होगा और यूक्रेन समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन समाप्त हो जाएगा, और इसीलिए भारत के क्या मायने हैं दुनिया में ये समझा जा सकता है। और किस भरोसे से आपने वो बहुत रहस्यपूर्ण बातें बता दी, आमतौर पर लोग कि निश्चित रूप से भारत और रसिया के एक अंडरस्टैंडिंग है। हर समय में रसिया और इजराइल दुनिया के दो देश ऐसे हैं जिसने विपदा में आपको हमेशा साथ दिया है, साथ हमेशा दिया आपके है। साथ खड़े रहे हैं। तो भारत एक पिद्दी से चिरकुट से यूक्रेन के चलते रसिया से रिलेशन नहीं खराब कर सकता, हाँ इसे डिप्लोमेसी कहते हैं। और यूं ही नहीं, मोदी का कहते हैं कि दुनिया क्यों कह रही है कि भैया मोदी का कद बढ़ाओ, अमेरिका को इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी, वो भिखारी हाँ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स क्यों कह रहे हाँ हैं कि भैया हमारा कल्याण मोदी ही कर लेगा। लेकिन यहाँ पर सो कॉल राष्ट्रवादी भी यहाँ पे भी लिख रहे हैं, बंगाल जिससे नहीं संभल रहा है वो यूक्रेन क्या संभालेंगे, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कोई अपना राष्ट्रवादियों में अलग, हमने गलती कर दी। कुछ ऐसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बड़े बड़े मठाधीश लिख रहे हैं, अब इस मोदी का जाना बहुत जरूरी है, जैसे लग रहा है उन्हीं के उससे ये बना है, ऐसे ऐसे चंपू चिरकुट हैं
जो अपने राष्ट्रवाद का मुरट्ठा बांधे हुए हैं। इस मोदी का जाना बहुत जरूरी।